एक्ट्रेस शुभी शर्मा, आपने इन्हें अमूमन बहुत कम ही कॉन्ट्रोवर्सी में देखा है। आपने इन्हें अगर कॉन्ट्रोवर्सी में देखा होगा तो सिर्फ इसलिए इनका रिलेशन प्रवेश लाल यादव के साथ है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इस पे हम नहीं जाते, लेकिन आज शुभी शर्मा ने एक खुलासा किया। जी हाँ, आप तो जानते होंगे कि काजल राघवानी का जो शो है कुछ खट्टी कुछ मीठी काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, लोग इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं और काजल राघवानी का बेबाकी तौर से पूछे जाने वाले जो सवाल हैं वो भी लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। तो ऐसे में ही काजल राघवानी ने शुभी शर्मा से एक सवाल पूछा कि आप पवन सिंह के साथ क्यों नहीं नज़र आती। वैसे शुभी शर्मा ने पवन सिंह के साथ काम किया है, लेकिन ये काम किया हुआ अरसा लगभग 5 साल बीत चुके हैं और शुभी शर्मा एक सफल अभिनेत्री हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की। सफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शुभी शर्मा भोजपुरी इंडस्ट्री से निकलकर जॉन इब्राहिम के साथ भी काम करती नजर आ चुकी हैं वेलकम बैक टू में, जिसमें वो उनके साथ एक आइटम नंबर में दिखी थी। खैर, आगे हम बात को नहीं घुमाते हैं और बात को लेकर आते हैं कि काजल राघवानी ने जब ये सवाल पूछा शुभी शर्मा से कि क्यों आप पूरे 5 साल हो चुके हैं और पवन सिंह के साथ नजर नहीं आई, तो उन्होंने ये सवाल का जवाब कुछ इस तरह से दिया कि जब पवन सिंह चाहेंगे तब वो उनके साथ नज़र आएंगे काम करते हुए, मुझे उनके साथ कोई इशू नहीं है, मुझे पता नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ कई बार ऐसा हुआ है कि सब कुछ फाइनलाइज हो गया है एंड वक्त पर हीरोइन चेंज हो जाती है। खैर, ये सारा कारण तो शुभी शर्मा ने पवन सिंह के साथ काम न करने का बताया, लेकिन यहाँ शुभी शर्मा ने एक और बात कह दी। उन्होंने कहा जैसे खेसारी लाल यादव के प्रोडक्शन हाउस से हमें कॉल आते हैं और हमारा अमाउंट बता दिया जाता है, अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं तो काम कीजिए और हम उसमें कंफर्टेबल होते हैं और मुंबई में रहते हैं तो हम उनके साथ ज़रूर एल्बम में काम करते हैं और उनके साथ लगातार एल्बम और फिल्मों में भी दिखते हैं। आपको बता दें कि शुभी शर्मा जाल मूवी में खेसारी लाल यादव के साथ देखी जा चुकी हैं। खैर, आगे बात करते हैं, यहाँ पर जो अंतर उन्होंने पवन सिंह और खेसारी में बताया वो हम आपको बता देते हैं। उन्होंने ये कहा कि हमें ऐसे कॉल पवन सिंह के प्रोडक्शन हाउस से नहीं आते कि आप हमारे एल्बम में काम कीजिए, हमें ऐसे कॉल उनकी तरफ से नहीं आते, इस कारण हम उनके एल्बम में नज़र नहीं आते। ये बात शुभी शर्मा ने अगर कही है तो बहुत ही डंके की चोट पर कही है, क्योंकि ऐसी बातें लोग पवन सिंह के खिलाफ अमूमन नहीं कहते। साथ ही साथ यहाँ पर पवन सिंह के लिए उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ हमारा कोई भी मतभेद नहीं है और यहाँ पर कई बार वो दिनेश लाल यादव निरहुआ और खेसारी लाल यादव की तारीफ करती नजर आईं। लेकिन जब पवन सिंह पर सवाल पूछा गया तो उनका यही कहना था, पवन सिंह जब चाहेंगे तब उनका जरूर नजर आएंगी। इसे साफ जाहिर होता है कि अपनी फिल्मों में कास्टिंग पवन सिंह हीरोइनों की खुद करते हैं और उन्हें क्या प्रॉब्लम है शुभी शर्मा से ये तो पवन सिंह ही जाने। अब आगे एक बात और, यहाँ पर खेसारी लाल यादव की तारीफ करते हुए उन्होंने ये कहा कि खेसारी के साथ काम करने का मतलब है कि आप अपने आप को बहुत फ्री होके काम करते हो और वो आपको फुल एडवांटेज देते हैं काम करने का। तो आप समझ सकते हैं कि शुभी कितना पसंद करती हैं खेसारी लाल यादव को। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।